नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में एक कुड़ुक सॉन्ग लेके आया हूँ। और कुड़ुक सॉन्ग को जब मैं 11वीं 12वीं क्लास में था तो उस वक्त कुछ लोगों से मेरा भेंट हुआ जो लोग कुड़ुक को जानते थे। तो उनका मैं भाषा सुना तो भाषा जाहिर सा बात है, किसी के साथ रहते हुए आदमी को समझ आ ही जाता है, चाहे वो इंग्लिश हो, उर्दू हो या फारसी हो। तो उसमें से कुछ गीत भी उन लोगों के पास था तो मैंने सुना था। तो आज मेरे को मन किया कि मैं कुड़ुक गीत गाऊं। और कुड़ुक, मैं एक बात बोलना चाहूँगा इसको गाने से पहले कि भाषा जो है, भाषा किसी जाति धर्म या फिर किसी लोक के लिए नहीं है, ये सबके लिए होता है। भाषा सिर्फ एक दूसरे को जानने के लिए होता है, कि इंसान को इंसान को जानने के लिए होता है, ना कि ये बड़ा या फिर छोटा होने का कोई भेदभाव उत्पन्न करता है। लोग ऐसे सोचते हैं, उनको मैं क्या कहना चाहूँगा, उनको कहना चाहूँगा कि आप समझने का प्रयास कीजिए। भाषा हम एक दूसरे के लिए है बना हुआ। आप अगर समझ रहे हैं उस भाषा में तो उस भाषा का इज्जत करना है, हर भाषा की इज्जत करना है। वैसे भी हम लोग कलाकार हैं और कलाकार लोग के लिए ना तो रंग रूप मायने रखता है, ना तो भाषा मायने रखता है। हम यही चाहेंगे आप लोगों के लिए, कि यही कहना चाहेंगे कि आप भाषा को भाषा की तरह समझें, ना कि ऊंच नीच का भेदभाव का व्यवहार जैसा रखें। तो दोस्तों, फिलहाल मैं आप लोगों के बीच में गीत लेके आ रहा हूँ। कुड़ुक गीत है ये, बहुत ही पारंपरिक गीत है और इसका टोन जो है इसका बहुत ही अच्छा है। आप एक बार ज़रूर सुनिए, ठीक है, पूरा सुनिएगा, अच्छा लगेगा आपको। हो हैले रे कुमड़ का पुई दा धोपे धोपा पुई दा पिलो जिया टांगर कीरा ईरे पिलो जिया टांगर कीराई हो हैले रे कुमड़ का पुई दा धोपे धोपा पुई दा पिलो जिया टांगर कीरा ईरे पिलो जिया टांगर कीराई हो हैले रे दुखी रह पेलो सुखी रह पेलो एकना पेम बला गिरे एकना पेम बला गे हो हैले रे नमहै घुरै नानू सुगा जूता लागी पिंछोनी दे गला गिरे पिंछोनी दे गला गे हो हैले रे कुमड़ का पुई दा धोपे धोपा पुई दा पिलो जिया टांगर कीराई रे पिलो जिया टांगर कीराई हो हैले रे कला टुकु भाया पेसर के उंदरा पेलर की भैल खुसाना नुतरे जोहर की टया कुमुत चियो हो हैले रे कुमुड़ का पुई दा धोपे धोपा पुई दा कुमुड़ का पुई दा धोके धोका पुई दा पिलो जिया टांगर कीराई रे पिलो जिया टांगर कीराई। थैंक यू। इस गीत के बारे में मैं बता देता हूँ। इस गीत के बारे में ये कहा जा रहा है, एक दोस्त हमको बताया, कुड़ुक वैसे तो मुझे आता नहीं है, मैं बता चुका हूँ, कि एक दोस्त हमको बताया कि एक लड़की, एक कोयनार है, कोयनार का साग आप लोग भली जाती जानते होंगे, जो पेड़ में नया नया अभी जो है ये बसंत मौसम में निकलता है उसका, और उसको हम लोग सब्जी के रूप में खाते हैं। कोयनार एक पेड़ है, उसमें जो है कि धोपे धोपा मतलब गुच्छा टाइप से फला हुआ है, उसको एक लड़की चढ़ती है और वो किस टाइप से बैठी हुई है और किस तरह से तोड़ रही है उसके बारे में इसमें कहा गया है। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? थैंक यू, जय हिंद, जोहर।